हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल आई स्टडी आज मैं आपके साथ लेकर के आया हूँ एच टेट का क्वेश्चन पेपर जो कि 2011 में लगभग 11 साल पुराना ये जो है पेपर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा 2011 में एच टेट का ये पेपर आया था पी आर टी लेवल वन का तो इसमें से मैं ऑलरेडी आपके साथ जो 30 क्वेश्चन है सी के वो एक और वीडियो के जरिए डिटेल डिस्कशन उसका कर चुका हूं और अब मैं आपके साथ एनवायरमेंटल स्टडीज़ के जो पीआरटी लेवल के इस एच के एग्ज़ाम में पूछे गए थे नवंबर 2011 में ये पेपर कंडक्ट हुआ था तो इसके 30 क्वेश्चन जो है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के वो आपके साथ डिस्कस करूँगा इसके अलावा सोशल स्टडीज़ के एक वीडियो मैंने डाली हुई है जिसमें कि एन सी आर टी सिक्स टू ट्वेल्थ क्लास की जो नोट्स हैं हैंडमेड नोट्स मैंने बनाए हैं तो वो वीडियो भी आप एक बार देख लीजिए तो सिक्सटी वन क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन इसमें है आज एन्वायरमेंटल स्टडीज के सेक्शन में जो पूछा गया था हु इज़ द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी लोधी वंश के जो संस्थापक थे वो थे बहलोल लोधी ये बात भी आप ध्यान रखें कि जब ये शुरू में जब एक्स्टेट कंडक्ट हुआ था तब जो पेपर है वो मॉडरेट आता था अब मैं कह सकता हूँ कि डिफ़िकल्टी लेवल इसका मॉडरेट से भी ज़्यादा है डिफ़िकल्ट लेवल का अब ये पेपर हो गया है हालांकि वैसे मॉडरेट टाइम टू टाइम क्वेश्चन ईजी कभी नहीं आता ये बात ध्यान रखें कि जो इसका पेपर है वो ईजी नहीं आता मॉडरेट टू डिफ़िकल्टी होता है द स्टेट इन इंडिया विद लार्जेस्ट कोस्ट लाइन भारत का वह राज्य जिसकी सबसे ज़्यादा लंबी तटीय रेखा है तो इसका जो सही आंसर है इट इज़ गुजरात वट इज़ द रैंक ऑफ इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2010 रिपोर्ट उस समय जो एच की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या रही थी तो ये 119 रही थी आप 2022 की कमेंट करके मुझे बताएं। हु was द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जर्मनी के एकीकरण के लिए जो जिम्मेदार थे सबसे ज़्यादा वो थे बिस्मार्क विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर्स इनमें से कौन सी नदी सबसे लंबी है तो इसका जो सही आंसर है वो है ब्रह्मपुत्र विच इज़ द ओल्डेस्ट वेद बुक सबसे पुरानी वेद बुक कौन सी है कौन से हमारे जो वेद हैं वो सबसे पुराने हैं तो इसका जो सही आंसर है ऋग्वेद सामवेद में म्यूज़िक के बारे में बताया गया है ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड रिपीट होता है हु इज़ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया दैट टाइम 2010 के जो है उसके टाइम ये पूछा गया था तो जब थे एस वाई कुरैसी और आप मुझे अब 2022 में जो भारत के चीफ इलेक्शन सी हैं वो आप बताएंगे इंडिया हैज़ हाउ मच परसेंट ऑफ एरिया ऑफ वर्ल्ड टोटल जियोग्राफिकल एरिया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व के जो भूगोलीय क्षेत्र में भारत का कितना परसेंटेज है तो इसका जो सही आंसर है वो है टू पॉइंट फोर भारत दो दशमलव चार परसेंट एरिया है पूरे विश्व का वियर वास गौतम बुद्ध बोर्न गौतम बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ लुम्बनी में वट इज़ द सेक्स रेशियो ऑफ़ इंडिया और इन सेंसस 2011 तो ये जो है ऑप्शन डी 940 है क्योंकि अभी 2021 की जनगणना हुई नहीं है तो अभी तक आप डाटा में भी दो नौ मान करके ही चलेंगे कौनार्क टेम्पल कॉन्स्टि कहाँ पर है तो इट इज़ इन उड़ीसा द कोस्ट रंस फ्रॉम साउथ ऑफ गोवा टू केप कॉमेरेन ऑन इंडिया साउथ इज नोन तो इसका जो सही आंसर है ये मालावर तट जो क्षेत्र है उसको साउथ ऑफ गोवा से शुरू होता है टू केप कॉमेन ऑफ इंडिया साउथ दांतेवाड़ा विच रिसेंटली केम इन टू न्यूज ड्यू टू माओइस्ट अटैक इज ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ तो दांतेवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है ये है छत्तीसगढ़ में इसके बाद पेयर्स नॉट करेक्टली मैच देखो नॉट का जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको मार्क कर लीजिए अदरवाइज़ कई बार हम ये सोचते हैं कि हाँ चलो है, पहला तो ठीक ही है तो यही आंसर है पर आपसे नॉट पूछा है तो यहाँ पर जो है इसका जो नॉट करेक्टली मैच तारापुर जो है ये राजस्थान में नहीं है और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तारापुर जो नाभिकीय संयंत्र है वो कहाँ पर है बाकी कलपक्कम तमिलनाडु नरोरा उत्तर प्रदेश और केगा कर्नाटक में ही है अकॉर्डिंग टू 2011 इलेवन सेंस द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज घनत्व पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार तो ये है तीन सौ बयासी एक किलोमीटर में घनत्व का मतलब होता है एक किलोमीटर के अंदर रहने वाले लोगों की जो संख्या है वो कितनी है तो एवरेज 382 है विच ऑफ़ द फॉलोइंग पर्सन वाज इट मेंबर ऑफ इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूएंट असेम्बली तो इनमें से कौन एक सदस्य था इंडिया जो भारत की संविधान सभा थी असेंबली थी उसका तो इसका जो सही आंसर है वो है रणवीर सिंह हुड्डा सदस्य थे मेम्बर पूछा है डी डी टी इज डी डी टी क्या है डी डी टी इज नॉन बायोडिग्रेडबल पॉलिटेंट्स इनमें से पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू इनमें से कौन सी ट्रू है केमिकल रिएक्शन के संदर्भ में तो इसका जो ऑप्शन इस से थर्ड है ये सही है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन इन स्कूल लेबोरेटरीज कौन सा मैथड जो है स्कूल्स में यूज किया जाता है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए तो ऑल ऑफ एब सारे ही बाई हीटिंग के सी आई थ्री विद एम एन ओ टू ये जो तीनों ही ऑप्शन है बाई फोटोसि और बाई इलेक्ट्रोलिस ऑफ एच टू ओ इस तरह से डिटर्जेंट इज ए मिक्सचर ऑफ डिटर्जेंट इज ए मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज इन एमेलगम तो इसका जो सही आंसर है मरकरी एटी टू क्वेश्चन नंबर समटाइम्स द बॉटम ऑफ द स्टील सिल्स टर्न ब्लैक ड्यूरिंग कुकिंग कि जब हम कभी खाना पकाते हैं तो जो स्टील के बर्तन हैं नीचे से काले पड़ जाते हैं तो इसका जो कारण क्या है इसका जो सही आंसर है इन सफिशियंट कंबस्टन ऑफ फ्यूल टेक प्लेस क्योंकि जो ईंधन है उसको उतना एरिया नहीं मिल पाता कि वो उस तरह से उसको हीट कर पाए तो एक ही जगह पर होने के कारण फिर वो जो है बर्तन काला हो जाता है 83 थ्री वट विल बी द नेम ऑफ सब्सटाइज यूज इन मिक्सचर प्लेस ए एंड बी इन फॉलोइंग एक्टिविटी तो ये कुछ साइंस के हैं इसका जो सही आंसर है वो है आयरन एंड सैंड ये जो है टीचिंग पैडालोजी से रिलेटेड है इफ ए बार मैग्नेट इज ब्रोकन into four फोर how हाउ magnetic मैग्नेटिक पोल्स आर तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी एट इफ मास बॉडी इज डबल्ड काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो डबल्ड द एक्सिलेशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एस एम इज तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजिशन वन हॉर्न आर आरफॉन एक सिंगीय जो गेंडा है वो हमारे कहा पाए जाते हैं तो वो असम में काजीरंगा जो वहाँ नेशनल पार्क है वहाँ पर पाए जाते हैं वाई डज एन एग सिंक इन प्योर वाटर बट फ्लोट इन साल्ट वाटर कि जो अंडा है वो जो साधारण पानी होता है प्योर शुद्ध पानी उसमें तो डूब जाता है पर नमक के पानी में तैरता है इसका कारण क्या है इसका जो कारण है वो है डेंसिटी ऑफ एग इज़ लेस देन द डेंसिटी ऑफ साल्ट वाटर कि जो अंडे का जो घनत्व वो नमक के पानी के घनत्व से कम होता है ए सॉल्यूशन हैविंग पीएच वैल्यू टू रिप्रेजेंट इट रिप्रेजेंट स्ट्रोंग एसिड एंड लास्ट जो क्वेश्चन है आप खुद पढ़ लीजिए उम्मीद करूँगा कि आप इसका मुझे कमेंट करके आंसर बताएंगे तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग